and Sheldon. भोग लगाने से इमीडिएटली पुण्यों में वृद्धि होती है। अगर भोगनाएं बहुत जीवन में है, कष्ट है, तकलीफें हैं, असफलताएं हैं, तो भोग लगाइए, भोगनाएं मिटाइए। भोग में बड़ी ताकत है भोगनाओं को समाप्त करने की, पर अपने मन के भाव को जरूर चेक कर लेना कि मैं कैसे भाव से लगा रही हूं, क्योंकि भाड़ा केवल 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 भावना का मिलने वाला है और वही भाड़ा मेरे पुण्यों में वृद्धि करेगा, जय पुण्यों को बढ़ाएगा। वैसे भी संसार में देखिए, जब किसी के ऊपर कोई ग्रहचारी आती है, कोई विपदा संकट आता है, तो वो अपने गुरुओं के पास, ज्योतिष आचार्यों के पास पहुंचता है राय सलाह लेने के लिए। बड़ी ग्रहचारी, नक्षत्र खराब हो गए, राहु बैठ गया, शनि आ गया, कुछ तो उपाय बताओ। अब जब वो एडवाइस लेने जाते हैं तो आप इतने ध्यान से आज इस बात को विचार कीजिएगा, इमीडिएटली वो भी कुछ ना कुछ उनके हाथ से पुण्य कराते हैं, राइट? चिड़ियों को खिला देना, मंदिर में चढ़ा देना, बच्चियों को डाल देना, पंडितों को, ब्राह्मणों को खिला देना, कंबल बांट देना, ये कर देना, अल्पकालीन पुण्य कराते हैं इनसे, ताकि इनके हाथ से एक तरफ पुण्य हो जाए, पुण्य का प्रभाव बढ़ जाए, तो भोगनाएं थोड़ी सी नीचे ना जाए, डाउन हो जाए, पाप का प्रभाव जो सामने है जिसकी वजह से भोगना है वो डाउन हो जाए, और जैसे ही पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा पाप का प्रभाव नीचे आ जाएगा, भोगनाएं खत्म हो जाएगी, इसलिए कराते हैं। लेकिन वो अल्पकालीन होता है, दो चार महीने चलेगा, उसके बाद फिर कोई कंडीशन, अरे किया तो था, कुछ असर लगा भी था, लेकिन फिर पुनः पुनः वही स्थिति। यहां जो हम बाबा के प्रति करते हैं ये सदाकालीन स्थिरता है, क्योंकि ये भोग कौन से दिन लगाया जाता है, विशेष भोग जो लगता है वो कौन से दिन लगता है? सदगुरुवार। दूसरा शब्द क्या है, दूसरा नाम क्या है सदगुरुवार का? बृहस्पतिवार। संस्कृत का शब्द है ये, संधि विच्छेद कीजिए, इसका क्या बनेगा? बृहस्पति। वृक्ष के पति को भोग लगाते हैं हम। अभी इमीडिएटली पुण्य कैसे बढ़ता है देखिए, आपने अपने घर में पौधा बोया, कुछ दिन के बाद आपने देखा कि वो मुरझा रहा है, क्या करोगे? इमीडिएटली तुरंत पानी डालोगे, कहां? जड़। जड़ तो नहीं सूख रही बहन जी, जड़ नहीं मुरझा रहा, आपने मुरझाए हैं पत्ते देके, फूल देके, कलियां देके, लेकिन जल कहां डाल रही है? जड़ में डाल रही है, जबकि जड़ बिल्कुल सही है, छुट्टी जल में डाल रही है, ऊपर चढ़ गया नीचे जाता है, वो वृक्ष के अस्तित्व को टच होकर ऑटोमेटिकली पूरे वृक्ष में फैल जाता है। अगले दिन जब आप देखोगे तो जो मुरझाए हुए पत्ते फूल कलियां थी वो क्या हो जाएंगे? जबकि जल कहां डाला? नीचे। और प्रभाव कहां दिखा? ऊपर। वृक्ष पति, ये सृष्टि भी एक कल्प वृक्ष है, मनुष्य सृष्टि का छाड़ कल्प वृक्ष, और इसका पति स्वयं शिव। जब हम अपनी भावनाओं का जल उस शिव को अर्पित करते हैं तो उसका प्रभाव ऑटोमेटिकली पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है, पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है, और जब उसका प्रभाव मेरे पास आता है तो एक का बहु गुणा रूप में रिटर्न मिलता है, और यहां
से मेरे पुण्य वृद्धि होना,